आदिवासी समाज में भी कोई मरता है तो टकला होता है, टकला होता है। पिताजी अगर यानी कि कोई अगर दादू मरता है तब टकला नहीं करते हैं वो लोग, ब्राह्मणवादी का जो विचारधारा सामूहिकता के रूप ब्रेन वॉश हो गए हैं, ऐसे लोग टकला करते हैं। अगर देखिए अगर भारत सरकार डिसाइड करेगा, नहीं नहीं भारत सरकार कैसे डिसाइड करेगा, भारत सरकार कैसे डिसाइड करेगा, ब्राह्मणवादी सामाजिक तरीका उसकी विचारधारा से चलने वाले को कोई आदिवासी का दर्जा नहीं मिलेगा। डीएनए अगर टेस्ट किया जाएगा ना, डीएनए तो पक्का मिलेगा भाई, पक्की लोग ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणवादी को ये लोग एक्सेप्ट किए हैं। सबसे बड़ा कारण यही है, इतने भी हटाने का सबसे बड़ा रीजन जहाँ तक हमें लगता है 1931-32 में अगर ये लोग ट्राइबल थे, एबोरिजिनल थे, प्राइमल ट्राइब थे, तो फिर हटाने का सबसे बड़ा कारण यही है। अगर ये लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोग 1931 से 32 के बीच में हम लोग आदिवासी थे, हम इस बात को लेकर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि 1932 के आधार पर जो जयराम महतो युवाओं को जो पट्टी बांधने का काम कर रहे हैं, पट्टी मतलब आँखों के आगे पर्दा लगाने का काम करते हैं, और इधर से हम लोग कुर्मी महतो में सम्मिलित होना ही है। अच्छा, आप इस तरह से देखा जाता है कि आप तो रांची से हैं और हमेशा लाइव में आते रहते हैं, कि जयराम को आप एक युवा नेता जो 1932 का खतियान पे लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें कि जो कि हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी भी उस पे देखा जाए तो उस 1932 खतियान को लेकर के वो सरकार में आया है, तो जयराम वही चीज़ उनको लागू करने बोल रहे हैं, तो इसमें कहाँ प्रॉब्लम नज़र आता है आपको? सबसे पहले पब्लिक एक्शन न्यूज देखने वाले हम दर्शकों को मेरे ओर से, विश्राम की ओर से, हम तो खास करके मुंडारी हैं, मुंडारी भाषा बोलते हैं, इसीलिए मुंडारी में हम कहेंगे चिमनांगे पब्लिक एक्शन न्यूज लेलतन सबन हुडिंग मरंग हागा जाति को कुटुम कपूर को इसके देवन से जोहार। देखिए हेमंत सोरेन जिस तरीका से जो मैनिफेस्टो में कहा है और इसी को लेकर के जो भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले हो या फिर अन्य बैनर को लेकर के जयराम महतो के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं और इनको मान रहा है, इनको लग रहा है कि जो मैनिफेस्टो में कहा है और यही आधार से ही हमारे झारखंड की पहचान होगी, ऐसा महतो जयराम महतो के जो भी जितने भी बैनर में जो आ रहे हैं सब कुर्मी लोगों को लग रहा है कि 1932 खतियान ही हमारी झारखंड की पहचान है, ऐसा बहुत सारे उन्हीं लोगों को ऐसा ही लगता है। लेकिन देखिए 1932 खतियान अगर हम लोग देखते हैं पूरे झारखंड में, पूरे राजधानी रांची में, पूरे 2400 जिला में अगर हम लोग देखते हैं, तो ये अलग अलग जिला में अलग अलग सेशन में सर्वे की गई है, तो फिर इसको एक सामूहिकता में ले आना, एक संगठन के रूप में जो 1932 खतियान का कट आउट डेट देना, ये कहीं ना कहीं लोगों के साथ नाजायज है, ये संवैधानिक जो न्याय संगत नहीं है। क्योंकि आप सब ने देखा होगा कुलान में 1964 जिस तरीका से सर्वे किया गया है, अलग अलग तमाम प्लामू लतर लोहरदगा में अलग अलग तरह से जो सर्वे किया गया है, और ये एक राजनीति मुद्दा है और राजनीति मुद्दा ये हमेशा हमेशा के लिए चलती रहेगी, इस पर कोई भी संगठन एकजुट नहीं होगी, और इसीलिए हम जयराम महतो का विरोध करते हैं क्योंकि ऐसा चीज़ को जयराम महतो उठाया है जो राजनीति तौर पर जो मुद्दा उठाते रहे हैं, जो कि लोगों को बलगराने, लोगों को तरह तरह की जो आकर्षित करने का जो ये 1932 मुद्दा है। अगर हम देखते हैं पिछले दिनों में भी जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं अर्जुन मुंडा और उसके साथ जो अमित शाह जी भी कोलान में आए हैं चैबसा में, और ये खास तौर पर ये जिक्र किया था कि 1932 को लेकर के आप हमारे साथ मतभेद कर रहे हैं, अर्थात कोलान लोगों के साथ मतभेद कर रहे हैं, और इससे लेकर के मैंने भी हमारे दर्शकों को बता दिया था कि ये झारखंड में जो जनजाति रहते हैं इसके साथ तो मतभेद जरूर होगी, और इसीलिए मैं उस खास तौर पर विरोध किया हूं। और स्वतः उसके बाद लोगों ने देखा कि किस तरीके से 1932 के खतियान के साथ 1932 खतियान को जो आधार मनाने वाले लोग जिस तरीके से एक दूसरे पर अत्याचार प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और ये दिख रहा है हमारे झारखंड की राजधानी में। नहीं लगता है कि जयराम जिस प्रकार से अभी जहाँ भी जाते हैं युवा की जागरूकता में युवा आ जाते हैं और वहाँ के बहुत सारे चीज़ जयराम बोलते हैं, यानी कि 1932 का खतियान तो बात करते ही है, साथ में पूरा वहाँ का व्यवस्था को बात करते हैं, कैसे नेता लोग हम लोग को ठग रहे हैं, क्या इतना 23 साल का झारखंड है जिसमें विकास नहीं हो रहा, बाहरी लोग भीतरी आ रहे हैं, यानी कि बाहरी का बहुत सारा पॉपुलेशन हमारे झारखंड में निवास कर रहे हैं, भाषा के इसमें आंदोलन चल रहा है, विभिन्न प्रकार का आंदोलन है, तो आप देख रहे हैं कि क्या जयराम को आपको लगता है कि हमारे आदिवासियों को क्या ये गुमराह करने जैसे आपको लगता है? देखिए जहाँ तक जयराम की जो प्रवचन को मैंने करीब से देखा है, करीब से मैंने समझा है, लेकिन जो ज़्यादातर लोगों को आकर्षित करने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल करती है हम आपको बता देते हैं दोस्तों, कि देखिए जितने भी तमाम जो जनरल तरीका से जो अत्याचार हो रहा है लोगों के बीच में, जैसा कि
कोई पहाड़ लूट रहा है, कोई जमीन लूट रहा है, वास्तविक तौर पर देखा जा रहा है, अगर उनका जरा महत्व का अगर आप सबने भाषण को कभी गौर से किया होगा तो तमाम डैम को लेकर के तमाम जो अत्याचार हो रहा है, विस्थापित नीति, नियोजन नीति, तमाम जो नीति बना ही नहीं है उस चीज़ को लेकर के कर रहे हैं। और ये वास्तविक में ये राजनीति मुद्दा है और राजनीति के तौर पर कहीं ना कहीं ये लोग, कहीं ना कहीं ये सत्य है कि आंदोलन करने की जो तरीका ये लोग सही दिशा तो ले जा रहा है, लेकिन जो आदिवासी हित के लिए जो बहुत खतरनाक साबित हो रही है, पिछले दिनों में भी जब भाषा संघर्ष समिति के बैनर में जिस तरीके से आंदोलन किया है शुरुआत दिनों से और अंत, उसके बाद जब 1932 जब राजधानी रांची में जब हेमंत सोरेन इस बात को लेकर के जब पारित कर दिया तो लोग कुर्मी समुदाय के आंदोलन कर रहे हैं। और दरअसल कुर्मी समुदाय ये नया नहीं है, ये इससे पहले भी लोग कर रहे हैं। और कुर्मी जो जयराम महतो का जो एक विचारधारा है कि जब आदिवासी युवाओं को, खास करके बेरोजगार युवाओं को, हम नियोजन नीति, स्थानीय नीति 1932, तमाम जो बेरोजगार नीति में हम आदिवासियों को हम गुमराह करके रखेंगे और गुमराह करके रख के हम हमारे और जो अन्य लोग जो उसके बुद्धिजीवी लोग इधर से हम लोग कुर्मी आंदोलन में हम लोग, ताकि इन लोग बोल नहीं पाए, जो आदिवासी युवा जो उस पर सम्मिलित होकर के कुर्मी आंदोलन जब हम लोग आंदोलन करेंगे तो सब पर बोल नहीं पाए, ताकि उनकी मुंह को बंद करने पे एकदम सुसायोजित तरीके से लोग बंद करवाने का ये एक षड्यंत्र है। और जिस तरीके से जो 1932 खतियान का जो आंदोलन से जो चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि हेमंत सोरेन भी मैनिफेस्टो में कहा है कि 1932 झारखंड को स्थानीयता के परिभाषित करेंगे। ये तो चुनावी मुद्दा है और जिस जगह पर चुनावी मुद्दा का जो कभी भी चुनाव का एक राजनीतिक, लोगों का राजनीतिक करने का, राजनीतिक करने वाले लोगों का ही एक एजेंडा होता है कि हम किस तरह से अपना वर्चस्व को कायम रखेंगे और किस तरह से हम अपने चुनावी मुद्दे को हम बरकरार रखेंगे, यही एक 1932 एक राजनीतिक मुद्दा है। और इसी से लोग हमारे झारखंड, खास करके जो 1932 खतियान के जो शायद लोगों को लगता है कि ये हमारी पहचान है, ये शायद हमारे आदिवासी लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि देखिए, हमारे जो आदिवासी लोगों के लिए, खास करके सिर्फ 1932 सीमित नहीं है, हमारे जो झारखंड में 25 अनुसूची है, खास करके हम लोग 12-13 जिला अगर देखते हैं तो शेड्यूल एरिया है, जो शेड्यूल एरिया लोगों के लिए यही लोग स्थानीय नीति है, स्थानीय लोग यही लोग हैं जो जिस एरिया में, जो शेड्यूल एरिया में जो रह रहे हैं, यही लोग स्थानीय है। जैसे उन लोग के पास 1908 है जो CNT SPT, जैसे उलान में देखते हैं SPT है, जो छोटनगरपुर में CNT देखते हैं, इन सारे मुद्दे के अगर आप लोग बारीकी से देखेंगे, हम लोग बारीकी से देखेंगे तो यही चीज़ जो झारखंड में लोगों के लिए स्थानीय मुद्दा है। तो फिर इन लोगों के लिए जो झारखंडी कौन है फिर परिभाषित करने के लिए क्या जरूरत है फिर 1932, जो कि 1932 से हमारे झारखंड को स्थानीयता का दर्जा मिलेगा, हम लोग के लिए ऑलरेडी हम लोग को मिल चुका है, 1908 के आधार में मिल चुका है, CNT SPT के आधार में मिल चुका है, तो फिर हम लोग को स्थानीय परिभाषित करने के लिए क्या जरूरत है। तो फिर ये 1932 राजनीति मुद्दा, माननीय हेमंत सोरेन जी तब कहा है 1932 पर चुनाव लड़े, देखिए 1932 खतियान तो एक मुद्दा था ताकि हम आदिवासी जो झारखंड लोगों को हम आकर्षित करेंगे। दरअसल में अगर हम लोग देखते हैं, वास्तविकता में अगर हम लोग देखते हैं तो 1932 अलग अलग जिला में अलग अलग नाम से सर्वे हुआ है, 1964-65, तो फिर एक सामूहिकता में एक जगह पर हम कहेंगे कि 1932 खतियान के आधार पर हम सबको, पूरे झारखंड को हम परिभाषित करेंगे तो ये अन्याय होगा। क्योंकि भारत के संविधान में ये कहा गया है कि झारखंड में जनजातियों के बीच में, लोगों के बीच में कोई भी किसी तरह का विभेद नहीं होती चाहिए। और पिछले दिनों में जब यही चीज़ मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि पुलान में जब अमित शाह आए थे कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लोगों के साथ आप मतभेद कर रहे हैं हेमंत जी, इस पर जोर लगाया, और ये बात हमारे लोगों को समझ में आनी चाहिए क्योंकि हम तो भाई ऑलरेडी हमको स्थानीयता का दर्जा मिल चुका है। तो अमित शाह का बात से आप खुश हैं? मतलब देखिए, पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीका से हमारे स्तर से अगर हम देखते हैं, पब्लिक एक्शन न्यूज़ के माध्यम से अगर हम देखेंगे, पब्लिक के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो जिस हिसाब से जो कुलान के जो लोगों को हिसाब से जो कह रहा है कि 1964 के आधार से आप हमारे साथ मतभेद करेंगे, तो ये तो नाजायज ही है, क्योंकि उसके हिसाब से जो कह रहे हैं ये गलत नहीं कहा है, क्योंकि उन लोगों का आधार 1964 ही है। हम कहेंगे कि उन लोग 1932 के आधार पर अगर हम लोग पूरा आधारित बनाएंगे तो इन लोग के साथ अन्याय होगा। फिर अगर फिर से क्या इन लोग को 1932 खतियान का जो सेटलमेंट खतियान उन लोग को दिया जाएगा, अगर दिया जाता है 1932 खतियान पूरा झारखंड लोगों को, तो फिर 1932 लागू होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर से हमें 1932 का खतियान हमें कहाँ मिलेगा, बात यह है 1932 का खतियान आखिर कहाँ मिलेगा हमें। तो अभी जिस प्रकार से आप मतलब जयराम को आप सीधा सीधा मतलब आप हर दिन आप उसका बुराई कर रहे हैं, हर दिन एक आज देखा जाए तो युवाओं का एक आइडल बन चुका है, जहाँ जयराम महतो जहाँ पे सभा करते हैं वहाँ पे अभी हजारों लोग वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, खास करके हमारे जितने भी युवा, तो उन युवाओं को अगर कोई अगर जागरूकता प्रदान कर रहा तो इसमें हम लोग को प्रॉब्लम तो आपको नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ये भी मैं आप कहा बता चुका हूँ
कि 1932 के आधार पर हम आदिवासी युवाओं को हम उसके माइंड को वश करेंगे, अर्थात माइंड को हम पूरा माइंड को हम लोग कंट्रोल करेंगे ताकि कुर्मी जब आंदोलन करेंगे उस समय आदिवासी युवा कुछ ना बोल मतलब पाए। आपका और यही इन लोग का सुसंयोजित तरीका है। आपका बात कहां जा रहा हमको पता चल रहा। आप आदिवासी कुर्मी समाज जिस प्रकार से आदिवासी का एसटी सूची में शामिल होने का जो बात कर रहे हैं, मतलब एक तरफ कुर्मी लड़ाई करेंगे आदिवासी का मांग करने के लिए, और एक तरफ जयराम लोगो हमारा आदिवासी लोगों को गुमराह करेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही कर रहा है। और खास करके आप सबने देखा होगा पिछले दिनों में भी जब रनपुर कतियान की जब उड़ान चला रहा था, अभियान जब चला रहा था, जब मैंने खुद देखा कि जितने भी जो शामिल हुए युवाओं का जो नाम लिस्ट डाटा किसी ने सोशल पेज पर पोस्ट कर दिया, उस डाटा में मैंने देखा कि सारा लोग महतो 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 सब लोग महतो महतो है। तो फिर यार हमारे साथ क्या हो रहा है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर यदि आप जयराम महतो हमारे झारखंड हित के लिए अगर सच में लड़ाई लड़ रहा है, सब समीक्षा की अगर बात करता है, तो फिर कुलान के लोगों को आप शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? दुमका के लोगों से शामिल कर रहा है कुलान में तो कई बार किया है ना, गिने चुने लोगों को शामिल करना ये तो न्याय संगत नहीं है ना। किसी को चलिए यार हमारे साथ चलिए हमारे साथ हमारे दोस्त, किसी दोस्त को अगर बुलाओगे या फिर कोई भी कहोगे कि चलो यार हमारे साथ आज हम लोग का प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग का ये हो रहा है, हम लोग का वो हो रहा है, ये तो नाजायज है। और ये इन लोगों के आंखों में धूल झोंकना कहते हैं इसको, कि हम लोग चलो फलाना जगह जयराम महतो आ रहा है, फलाना जगह जयराम महतो का प्रोग्राम में हम लोग शामिल होते हैं। लेकिन जो लिस्ट तौर पर जो जारी करता है और जो संयुक्ता के आधार पर जो पेपर में जो नाम आता है, तो ये तो महतो लोगों का ये नाम आता है, इसमें हमारे लोगों का कहाँ है? तब मतलब आप जहाँ जहाँ का जितना भी कार्यक्रम हो रहा सब महतो लोग आ रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि जहाँ जयराम महतो कार्यक्रम कर रहा है वहाँ पर भी महतो लोग ही आ रहे हैं, और जितने भी आगे कर रहे हैं वो लोग महतो लोग ही कर रहे हैं। मतलब उसको आप एक 1932 का खतियान को जो लड़ाई को ये लोग महतो लड़ाई हिसाब से आप देख रहे हैं? देखिए 1932 खतियान के आधार पर जो 1932 के नाम पर लोगों के आंखों में पट्टी बंधने का काम किया है ताकि कोई देख ना पाए कुर्मी आंदोलन को, और जस्ट उसी का ही उदाहरण है उसके जैसा ही दूसरा दिन वो लोग रेल रोड चक्का जाम आंदोलन किया। अगर हम लोग झारखंड हित के लिए अगर हमें जयराम महतो अगर लड़ाई लड़ना है, तो फिर एसटी एससी ओबीसी करके भी तो हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, झारखंड के अधिकार झारखंड की हित की हम बात कर सकते हैं, तो फिर एसटी एससी ओबीसी में क्या दिक्कत है भाई? तो आप अभी जयराम महतो का और भी आप विरोध करते रहेंगे कि विरोध आपका हो गया? नहीं नहीं, जब तक हमारे लोगों के साथ अगर इस तरह का कारनामा अगर करते रहेंगे हमारे झारखंड इस राजधानी में, हम ये मोराबादी मैदान का जो बाबू पट्टिका में हम कह रहे हैं, अगर इस तरह का कोई भी नेता विधानसभा में बैठने वाले अगर कोई भी नेता हो अगर इस तरह का बयान अगर चलाएगा हमारे जनहित की जो भावनाओं के साथ लोगों के साथ अगर भेदभाव करेगा, तो हम तो बोलेंगे, क्योंकि संविधान में जो भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है इसे तो हमें सामाजिक रूप से या फिर अपनी अधिकार से हम इसे तो अपना आवाज़ तो उठाते ही रहेंगे, और हमें ऐसा लगता है कि ऐसा करने में हमारे न्यायालय भी हमारी पक्ष में रहेंगे, इसे हम तो बोलेंगे, और इसे बोलने में हमें कोई झिझक नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। नहीं, देखिए महतो लोग आपको मारने का भी बात कर रहे हैं, मारना और जो काटना या फिर जो कुछ भी करना ये तो अलग चीज़ है, लेकिन देखिए हमारे जिस थाली में हम खाना खाते हैं उस थाली में पैर रख के कहेगा कि आओ हम साथ चलेंगे, तो फिर हम कैसे जाएंगे भाई? कैसे जाएंगे हम? कैसे इसमें कैसे लगता है? यही तो कर रहा है, हम जिस थाली में हम खाना खाते हैं उस थाली में पैर रख के कहता है कि आओ हम साथ चलें, हम झारखंड की लड़ाई लड़ेंगे, तो हम कैसे जाएंगे, उसका साथ हम क्यों देंगे? ये इसी बात को लेकर के हम खासतौर पर आप सबने देखा होगा, हम इसी बात को लेकर के हम खुलेआम चुनाव दीजिए पिछले भी जयराम महतो के नाम पर जो यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था जो या मैं राजभवन के सामने में, इसमें भी हम चुनौती दिए कि टाइगर जयराम महतो ये गलत कर रहा है, और जीता जगता उदाहरण आप लोग देख ही रहे हैं। तो खास करके एक आपके ऊपर कमेंट होते रहता है, आपको हिंदी बोलना ठीक से नहीं आता, तो आप काहे नहीं सीख लेते हैं व्याकरण वगैरह पढ़ करके? देखिए मुझे इस बात का खुशी होती है, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा नहीं आता है, लेकिन मेरे को भी लोग बोलते हैं, ऐसे नहीं कि मेरे को भी नहीं बोलते हैं, मुझे इस बात का खुशी होती है कि हम हिंदी भाषा नहीं जानते हैं, और ये हमारे पूर्वज का दिया हुआ विरासत है, इसे हम खुद से हमारे शरीर से हम निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज पिछले मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से लेकर के मुंडारी भाषा को सीखे हैं, उसे हिंदी भाषा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई ज़रूरत नहीं है, उनको कोई आवश्यकता ही नहीं हुआ। लेकिन जो जिस तरीका से जो अगर हम उन लोग से भी पूछेंगे कि भाई जो हिंदी भाषा जो आपका जो सुत्ता भाषा आप बोल रहे हैं वो कौन सी प्रजाति की भाषा है, ये शायद उनके पास जवाब नहीं होगा, या फिर जवाब भी होगी तो आप उनकी चांगुल में आकर के उनकी जो पिंजरे में आकर के आपको कैद कर दिया गया है, जो आपकी मूलधारा की जो अपनी भाषा को आप बोल रहे हैं ये हमारी सौभाग्य है, और हम तो इसे उपलब्धि मानते हैं कि हम हिंदी भाषा बोल नहीं सकते,
और हमारी मुंडारी भाषा है जो मोहन जो हड़प्पा सभ्यता से लेकर के हमारे पूर्वजों ने बोलते हुए आ रहा है, और आज तक हम ये बात को स्वीकार करते हैं कि हम तो हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं। और हिंदी भाषा बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम नहीं जानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मुंडारी भाषा अपनी भाषा को हम अभी तक बोल सकते हैं, अभी तक हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इस बात से हमें बहुत गर्व है कि हमारे पूर्वजों ने शायद इसीलिए अपनी जान जोखिम में डाल करके इस झारखंड को अलग राज्य बनाने की कल्पना किया होगा, या फिर अलग प्रदेश जो हमारे आने वाले प्रजाति आने वाले जो लोग आने वाले बच्चे हमारे लोगों पर गर्व करें, शायद इसीलिए शायद हमारे झारखंड के लिए अलग राज्य बनाने की जो कल्पना किया होगा, हमें ऐसा लगता है। इसीलिए हिंदी भाषा बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें हिंदी भाषा नहीं आती है मानता हूँ, क्योंकि हमारे प्रजाति पिछले 100 साल 150 साल से हिंदी भाषा को कभी सीखने की प्रयास नहीं किया है, कभी उनको ज़रूरत नहीं पड़ा है, क्योंकि जितने भी हमारे समृद्धता के आधार पर सबसे भाषा हमारी ही है, जो कहीं भी शादी से लेकर के जन्म मरण से लेकर के मरण तक हिंदी भाषा की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उनकी अपनी भाषा है, और इस भाषा हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम मुंडारी भाषा से बिलोंग करते हैं, हम अपनी अपनी भाषा से हमें गर्व है। हिंदी भाषा की हमें भविष्य में भी हिंदी भाषा की हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जिस दिन हमारी भाषा में जब गर्व करेंगे तो हमें खुद को एक जो पूर्वज का दिया हुआ विरासत हमें तोहफा के रूप में मिला है, इसे तो हम कभी इधर उधर नहीं कर सकते, और यही हमारी सबसे बड़ी सौभाग्य है। बात नहीं कर, समाप्त करेंगे। ऐसा वो लोग पाठ पढ़ाया जाता है, अगर 1931 अगर 1932 में अगर ये लोग आदिवासी थे, वो लोग खुद मानता है कि 1950 में इन लोग हम लोग को सुसंयोजित तरीक़े से हम लोग को हटाया गया है, ये उन लोग कह रहा है। 1931 अगर 32 में अगर ये लोग आदिवासी थे तो फिर हमारे झारखंड की जब इतिहास लिखी जा रही थी, या फिर झारखंड की जब अलग राजनीति के तौर पर जब अलग राज्य की जब मांग कर रहे थे, लड़ाई जब अपनी जाति के आधार पर जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो फिर कुर्मी आंदोलन ऐसा क्यों नहीं हुआ? मतलब जिस प्रकार से मुंडा विद्रोह, संताल विद्रोह, कोल विद्रोह, तो आप बोल रहे हैं कि कुर्मी विद्रोह होना चाहिए, विद्रोह होना चाहिए, तो कुर्मी विद्रोह आखिर क्यों नहीं हुआ? कुर्मी विद्रोह होना चाहिए ना। जैसे देखिए अभी जो भूमिज लोग बोल रहे हैं ना कि चुहाड़ विद्रोह हम लोग का रघुनाथ महतो किया है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, भूमिज लोग तो बोल रहे हैं रघुनाथ सिंह बोल रहे हैं, हाँ रघुनाथ सिंह, लेकिन इस तरह से एक दूसरे के थाली में पैर रख के एक दूसरे के थाली में हाथ डालने का काम कर रहा है, ये हमारे झारखंड में आने वाले समय में भी आने वाले 50-60 के जो जनरेशन आएंगे इन भी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अच्छा ठीक है 1931-32 में अगर ये लोग आदिवासी थे, ठीक है, ये लोग खुद नहीं समझ पा रहा है कि हम लोग को क्यों हटाया गया। देखिए जितने भी हटाने का सबसे बड़ा रीजन जहाँ तक हमें लगता है 1931-32 में अगर ये लोग ट्राइबल थे, एबोरिजिनल थे, प्राइमल ट्राइब थे, तो फिर हटाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग ब्राह्मणवादी को ये लोग एक्सेप्ट किए हैं, सबसे बड़ा कारण यही है। आज भी अगर आप देखते हैं सरस्वती जैसे तमाम जो ब्राह्मणवादी जो जरा सुसायोजित तरीके से जिस तरीके से उसकी त्यौहार तमाम हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन तमाम त्यौहार जो होती है ये ब्राह्मणवादी का ही है, ये जन्म से मरण तक इस पर एकदम हावी है, मतलब अनुसरण करते हैं, हाँ अनुसरण करते हैं। इसीलिए इन लोग को आदिवासी सूची से हटा दिया गया। और आज जो कह रहे हैं कि हम लोग आदिवासी थे, तो फिर आदिवासी आप थे, अगर आप खुद को जब 1932-31 से अगर आप आदिवासी मानते हैं, तो फिर आप ब्राह्मणवादी की जो विचारधारा को आपने समाप्त क्यों नहीं किया आज तक आप लोग माफ़ कीजिएगा दोस्त, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि बापू वाटिका के सामने से कोई झूठ नहीं बोलता यहाँ पे, हाँ सच में बापू वाटिका से कोई नहीं झूठ बोलता है। और जिस तरीके तो हम लोग गांधी को भी मानते हैं, गांधी की धरती पर खड़े हैं हम लोग, गांधी हमेशा सत्य बोलना हम लोग को सिखाया है, अच्छा इसी का आधार हम लोग मानते हैं कि हम लोग कभी झूठ नहीं बोलने वाला। और सच बात ये है दोस्तों की बिरसा मुंडा को हम नहीं मानते थे, देखिए बिरसा मुंडा हमारा आधार है यार, बाकी लोग सब बिरसा मुंडा को मानते हैं, लेकिन मेरा आधार है, हम उसी के पैर में उसी के हम कंधे पर खड़े हैं, उसके उसी के हाथों में खड़े हैं हम, मतलब उसी के वंशज है, श्री वंशज कहने अगर वंशज हम कहा देंगे तो फिर वंशज फिर उलिया तो लोग वंशज मतलब लेकिन मुंडा वो भी मुंडा अभी तो मुंडा है ना जी, अगर अगर सच मतलब अगर हाँ डीएनए अगर टेस्ट किया जाएगा ना, डीएनए तो पक्का मिलेगा भाई, पक्का मिलेगा बिरसा मुंडा, हाँ पक्का मिलेगा डीएनए पक्का मिलेगा, क्योंकि अगर कोई बोलता है कि बहुत कोई बोलते हैं कि यार आप मुंडा है कहाँ है, लेकिन डीएनए अगर कोई टेस्ट करेगा तो पक्का मिलेगा। सर साइंटिस्ट को भी ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग किस प्रजाति के हैं, और सबसे पहले ये लोग जान चुके थे कि आप हिंदी भाषा नहीं बोल पाते, इसी से हमको समझ में आ गया होगा लोगों को कि यार ये कोई मुंडारी लड़का ही है, मुंडा लड़का है,
तो यही हम कहना चाहते हैं कि 1932 खतियान के आधार पर जिस तरीके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और खुद को ये आज कुर्मी समुदाय में सम्मिलित होना ही है। अगर ये लोग पहले आदिवासी थे तो आप ब्राह्मण जो ब्राह्मणवादी की जो विचारधारा पे आप क्यों जी रहे हैं भाई? अच्छा, क्यों जी रहे हैं? देखिए, जाने दीजिए उनको। अगर देखिए, अगर भारत सरकार डिसाइड करेगा, नहीं नहीं, भारत सरकार कैसे डिसाइड करेगा? भारत सरकार कैसे डिसाइड करेगा? ब्राह्मणवादी सामाजिक तरीका उसकी विचारधारा से चलने वाले को कोई आदिवासी का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि संविधान में ये कॉन्स्टिट्यूट में ये कहा गया है। वो लोग अभी मूर्ति पूजा भी छोड़ दिए हैं। नहीं नहीं, कैसे छोड़े हैं जी? आज जयराम मातो टकला किए हैं, कैसे छोड़े हैं? ऐसे थोड़ी होता है जी। तो हमारे आदिवासी समाज में कोई मरता तो टकला नहीं करता? ये ब्राह्मणवादी का जो हमारे हमारा आदिवासी समाज में भी कोई मरता तो टकला होता है, टकला होता है। पिताजी अगर यानी कि कोई अगर दादू मरता तब टकला नहीं करते हैं? वो लोग ब्राह्मणवादी का जो विचारधारा सामूहिकता के रोग ब्रेन वॉश हो गए हैं, ऐसे लोग टकला करते हैं। देखिए, तो आप अपना गांव में कोई अगर मरता है तो आप टकला नहीं करते क्या? आदिवासी में ऐसा कोई विधि विधान नहीं है। करता है जी, हम लोग करता है, लेकिन बहुत कुछ जलाते भी है, ठीक है। लेकिन वो लोग अपनी जो लोगों की जो खुद की जो हम लोग के समाज में क्या है, हम लोग की पूजा पद्धति क्या है, हम लोग की परंपरा क्या है, जो अन्य लोगों की जो समाज में आकर के, अन्य लोगों की जो समीपता में आकर के, अन्य लोगों की जो विचारधारा में आकर के, अन्य लोगों के साथ मेल मिलाप रह करके अपनी खुद की विचारधारा, खुद की पूजा पद्धति कोई लोग भूल चुके हैं, ऐसे लोग ही काम कर रहे हैं। आप हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना के, गुमराह बना के आप कहेंगे कि नहीं चलो भाई हमारे साथ चलो, ऐसा नहीं होता है। अगर हमें लड़ना ही है, अगर झारखंड की उद्धान की हम बात करेंगे, झारखंड विकास की अगर हम बात करेंगे, तो यहीं पर समाप्त करेंगे भाई। हमको संविधान ने हमको दिया है, संविधान ने हमको दिया है कि एससी एसटी ओबीसी से हम लोग समीकरण की लड़ाई लड़ सकते हैं, झारखंड की उन्नति प्रगति की हम लोग लड़ सकते हैं। अपना लाइव में करते रहिए, है ना, जरूरत पड़ेगा तो हम फिर आपसे आएंगे। तो यहीं पर हम लोग बात को समाप्त करते हैं। अभी हम लोग खड़े हैं रांची का मोराबदी बापू वाटिका के पास में। तो आप लोग बात को, हमारा संवाद को कैसा लगा? जो भी लगा, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर फेसबुक में है तो फॉलो जरूर करना। आप लोग फॉलो भी नहीं करते हैं, बड़ा दुख लगता है हमें। तो यहीं पर संवाद पब्लिक एक्शन न्यूज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।